हालेलुया, खुदा यीशु मसीह के जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट मिसेस बिनी शौकत फजल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर ऑफ प्रेयर। जी व्यूअर्स, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमें ऐसे मौका देता है ताकि हम उसके सामने आकर, उसके सामने झुककर उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। यकीनन मेरे अज़ीज़ो, हमारा जिंदा खुदा मौजज़ात का खुदा है। वही अपना आसमान खोलकर हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजज़ात करता है। वो कभी भी अपने मांगने वालों को मायूस और शर्मिंदा नहीं करता। उसके कलाम के अंदर लिखा कि तुम मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यकीनन मेरे अज़ीज़ो, खुदा अपने मानने वालों के, अपने तालबों के हमेशा साथ रहता है। वो कभी भी अपने लोगों को मायूस और शर्मिंदा नहीं होने देता, बल्कि वो अपना हाथ बढ़ाता और अपने लोगों की ज़िंदगी के अंदर काम करता है। मेरे अज़ीज़ो, खुदा के कलाम के अंदर लिखा कि जैसे यरूशलम पहाड़ों से घिरा हुआ है, वैसे ही वो अपने लोगों को हमेशा घेरे रखता है। लेकिन किन लोगों को? जो उस पर ईमान रखते हैं। क्योंकि खुदा उनके कलाम के अंदर भी लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जिसका ईमान, भरोसा, तवक्कल खुदावन पर है, और मलाउन है वो शख्स जो बशर को अपना जोरे बाजू जानता है। यकीनन मेरे जीजो, हम मुबारक लोग हैं जो उस पर ईमान रखते हैं, क्योंकि उसके बंद किए हुए को खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। तो मेरे जीजो, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। तो जी इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ के साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने गेस्ट के साथ आपको मुतारफ़ कराना चाहूँगी। आज हमारे पावर ऑपरेट के सेट पर हमारे साथ पास्टर खालिद संधू मौजूद हैं। जी पास्टर साहब, हम आपको वेलकम, खुश आमदीद। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो। आए अपनी आंखों को बंद करें और अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ के साथ करें। ए बहरोबर के खालिक मालिक, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती खुदा इस वक्त के लम्हात के लिए। यकीनन खुदावन तू भला खुदा है, तू जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, तू जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। यकीनन खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते क्योंकि तू ही तारीफ़, तमजीद और हम के लायक है। खुदा आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर खुदा कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। खुदा यकीनन निजात, तसल्ली, इत्मीनान और तशफ़ी करूँ तो खुदा तेरे पास है। खुदा हम तेरे पास आते और तुझे ही मुबारक कहते हैं खुदा, क्योंकि तू हमारा ज़िंदा खुदावंद है। खुदा तू अपने हाथ को बढ़ाता और अपने लोगों की ज़िंदगी के अंदर काम करता है। आज के प्रोग्राम के लिए खुदा, आज के दिन के लिए खुदा मैं तेरी बरकत चाहती हूँ। खुदा आज जितने भी प्यारों ने अपनी मुनाजातों को खुदा तेरी हजूरी में रखा, तो एक एक के खुदा दरख्वास्त को पढ़ना खुदा और उसकी दुआओं का जवाब देना। खुदा तेरे खादिम के लिए मैं तेरी खास बरकत चाहती हूँ। खुदा आज जो भी कलाम का बीज बोया जाए खुदा, वो 10 गुना 20 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए खुदा। और तू अपना हाथ बढ़ाकर खुदा अपने प्यारों को छुना, ताकि आज जब तेरे कलाम को सुने खुदा, तो कलाम उनकी जिंदगियों के अंदर 10 गुना 20 गुना नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए खुदा। और तेरा हाथ अब से लेकर अब तक खुदा हम सब पर भरा रहे, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। जी व्यूअर्स, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, क्योंकि वही तारीफ, तमजीद और हम के लायक है। मेरे जो खुदावंद का कलाम जब हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाता है, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी के अंदर से जुबे और बंधन टूट जाते हैं। उसका कलाम मेरे अज़ीज़ों कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। उसका कलाम बंद बंद और गुदे गुदे में से गुजर जाता है। यकीनन उसका कलाम असर रखता है। जब उसका कलाम हम अपनी ज़िंदगी के अंदर लेते हैं, तो यकीनन फिर बीमारी, कमी, कमज़ोरी, कभी कोई प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी के अंदर काम नहीं कर सकती, क्योंकि वह अपना हाथ बढ़ाता और हमारी जिंदगी के अंदर मौजज़ात करता है। क्योंकि मेरे जीजो, वो अपने मानने वालों को हमेशा की जिंदगी अता करता है। तो आज अगर हमारी जिंदगी के अंदर हम चाहते हैं कि मौजज़ात हो, तो जरूर आप उसके जिंदगी बख्श कलाम को पढ़ा करें। उसका कलाम ही हमारे लिए यकीनन मौजज़ात करता है और हमारी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। तो जी भाई साहब, आज आपके पास खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से जो भी आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, आप जरूर। खुदा यीशु मसीह के कदूस नाम में आप सबको सलाम, देखने वाले सब बहन भाइयों को खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है। मेरे अजीज बहन भाइयों, जब हम अहद अतीक में से और अहद जदीद का मुताला करते हैं, यानी पुराना अहदनामा और नए अहदनामा का मुताला करते हैं, वहाँ पर हमें खुदावंद आसमानी बाप जो कुल कायनात का मालिक है, उसकी सब वादे जो हाँ के साथ हैं, हम सब के साथ हैं। और आज जबकि हम खुदा के कलाम में से अपनी नसीहत, अपनी बरकत के लिए देखेंगे खुदा के कलाम में से, आज का हमारा टॉपिक यह है, यीशु मसीह नजात दहिंदा है। मेरे साथ निकालिए खुदा के कलाम में से मुकद्दस लुका तबीब के मार्फत अंजीली बयान, और उसका 19वां बाब और उसकी 10वीं आयत मुबारक के अंदर यूं लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने। मेरे अजीज बहन भाइयों, यीशु मसीह के ताल्लुक से, यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में
हमने जानना बेहद जरूरी है, यीशु मसीह निजात दहिंदा है। उसके लफ्जी मायनी, यीशु मसीह के लफ्जी मायनी है चुराने वाला, बचाने वाला, निजात दहिंदा। इस मतन, इस बाब का जब हम मुताला करते हैं तो वहां पर एक स्टोरी मिलती है और एक शख्स का नाम जिसका नाम जकई है, उसके ताल्लुक से भी हम जानेंगे सुनेंगे कि क्यों कर वो, जबकि वो यहूदी है, टैक्स कलेक्टर है, मसूल चुंगी पर बैठा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से टैक्स कलेक्ट करता है मसूल चुंगी पर बैठकर, जबकि वो यहूदी है, खुदा के आयन है काम पर अमल भी करता होगा, लेकिन वो उसकी जिंदगी निजात से खाली है। यीशु मसीह के बारे में अंबिया अकबर ने, अंबिया असगर ने कलम बंद किया है पुराने अहदनामा के अंदर कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है। तो मैं सिस्टर आपको यही कहना चाहता हूं कि जैसे आपने बड़ा अच्छा ये पावर प्रेयर का प्रोग्राम चला रहे हैं, वहां पर हम खुदा के कलाम को नोश करते हैं, खुदा के कलाम के बारे में सीखते हैं, समझते हैं और लोगों के लिए दुआए खैर भी करते हैं ताकि लोग खुदा का कलाम नोश करें, उनकी ज़िंदगी में शिफा, बहाली, सबसे बड़ा मौजा कि वो निजात पाएं, क्योंकि यीशु मसीह निजात दहिंदा आसमानी खुदा है। जी पैसे, बहुत अच्छी बात कही आपने। यकीनन मेरे अज़ीज़ो, हमारा जिंदा खुदा ही निजात दहिंदा है। और यहाँ पर ऊपर भी हम देखते हैं जब लिखा है कि यीशु ने उसे कहा कि आज इस घर के अंदर निजात आई है। यकीनन मेरे अज़ीज़ो, ये ज़कई के बारे में लिखा गया है कि जब यीशु मसीह उसके घर आया तो हम देखते कि वो टैक्स कलेक्टर था, यानी कि महसूल लेने वाला था, लेकिन जब यीशु मसीह उसके घर के अंदर आया तो उसने अपना माल जो है वो गरीबों में बांट दिया। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर के अंदर निजात आई है। यकीनन मेरे अज़ीज़ो, जब हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा यीशु मसीह आ जाता है, हमारी ज़िंदगी के अंदर वो निजात दहिंदा, वो शाफ़ी आ जाता है, तो फिर यकीनन हमारी ज़िंदगी के अंदर भी निजात आ जाती है। आज अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर भी निजात आ जाए तो ज़रूर आज यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले लीजिए। आज अगर आप किसी बीमारी के अंदर है, किसी भी परेशानी के अंदर है, आज आप कर्ज़ की लानत से निजात पाना चाहते हैं, अपने दुखों से रिहाई पाना चाहते हैं, तो फिर यकीनन एक ही है जो आपकी जिंदगी के अंदर निजात को लेकर आ सकती है और वो जिंदा खुदावंद यीशु मसीह है। तो मेरे अज़ीज़ो, आज मैं आपको दावा देती हूँ कि अगर अभी तक आपने अपना शख्सी निजात दहिंदा अपने यीशु को कबूल नहीं किया तो फिर आज अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दे दीजिए। आज अगर आप चाहते हैं कि आप सरफराजी पाएं, आज अगर आप चाहते हैं कि आप बहाली पाएं, तो यकीनन आज खुदावंद अपने हाथ को बढ़ाएगा और आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा, क्योंकि खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है इन सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। और पास्टर साहब, मैं कहती हूँ कि जब हमारा ध्यान खुदावन के कलाम की तरफ रहता है, अपने खुदावन की तरफ रहता है, तो फिर कभी कोई अबलीस हमारी ज़िंदगी के अंदर काम नहीं कर सकता, क्योंकि फिर सरफराजी हमारे लिए खुदावन ने रखी है, बहाली हमारे लिए खुदावन ने रखी है। आप क्या कहना चाहेंगे? और इससे अगर हमारा तवक्कल भरोसा खुदावन आसमानी बाप पर होगा, बाइबल मुकद्दस के अंदर लुका तबीब की मार्फत अंजीली बयान में एक और हवाला हम नोट करेंगे, उसके दूसरे बाब और उसकी 25वीं आयत मुबारक के अंदर लिखी है ये बात, और देखो यरूशलेम में शमाउन नाम एक आदमी था, वो रासबास और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतजिर था, रुलकुस उस पर था और उसको रुलकुस से ये आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावन के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, जब मुकद्दस शमाउन जो बुजुर्ग है, रासबाज है, इसराइल की सलामती चाहता है, सलामती का मुंतजिर है, वो रुलकुस की आगाही से वो कहता है कि मैं खुदावन के मसीह को देख ना लूंगा उस वक्त तक मुझे मौत नहीं आएगी। जबकि योएल नबी के सहीफे के अंदर लिखा है, जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। यीशु मसीह को देखने से ही निजात उसने पाई। आमीन, आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारी आयात मुबारका है यीशु मसीह
نجات دینے والا ہے. آمین. جی بھائی صاحب بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے یقیناً ہمارا شافی اور ہمارا نجات دہندہ ہمارا زندہ خداوند یسوع مسیح ہے, اور آپ ضرور اس شافی کو نجات دہندہ کو اپنی زندگی کے اندر لے لیجئے تاکہ آپ بھی نجات پا سکیں. تو جی ویورز اسی کے ساتھ ہمارے پاس کچھ ریکویسٹ موجود ہے, لوگ اپنی مناجاتوں کو خداوند کی حضوری میں رکھتے ہیں, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ ضرور اپنے معجزہ کو ریسیو کرتے ہیں. تو جی ویورز اسی کے ساتھ میرے پاس پہلی ریکویسٹ موجود ہے, وہ لکھتے ہیں کہ میری طرف سے آپ کو سلام, میرا تعلق سلطان کے سے ہے, میرے شوہر کا نام اللہ رکھا ہے, اس کو کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی اور گھر میں لڑائی جھگڑا بھی بہت زیادہ رہتا ہے. پلیز آپ دعا کریں کہ خداوند ہماری زندگی کے اندر امن و امان کو لے کر آئے. جی بہن ہم ضرور آپ کے لیے دعا کریں گے. آپ نے بڑے ایمان کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کی ریکویسٹ کو خداوند کی حضوری میں رکھا ہے کہ اس کے پاس جاب نہیں ہے. میرا ایمان ہے کہ آج جب ہم مل کر اس کے لیے دعا کریں گے تو ضرور خداوند اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا اور ان کو اچھی جاب عطا کرے گا. اور ورز آپ کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی بھی پیارے بڑے ایمان کے ساتھ اس وقت آئزک ٹی وی پر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, آپ بھی ایمان کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کیجیے. اگر آپ کے پاس بھی اچھی جاب نہیں ہے, آپ بے روزگاری کی زندگی بسر کر رہے ہیں, تو مت پریشان ہو, مت گھبرائیں, اس پر بھروسہ رکھیے, اس پر ایمان رکھیے, وہ ضرور آپ کو بھی اچھی جاب عطا کرے گا. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں. اے بہروبر کے خالق مالک, میں تیرا شکریہ ادا کرتی خداوند تیری بیٹی کے لیے جس نے بڑے ایمان کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کی ریکویسٹ کو خداوند تیری حضوری میں رکھا. یقیناً خداوند تو اپنے مانگنے والوں کو کبھی بھی مایوس اور شرمندہ نہیں کرتا خداوند, تو تیری بیٹی کے لیے میں تیری خاص برکت چاہتی خداوند. تو اپنے ہاتھ کو بڑھا کر خداوند اس کے ہسبینڈ کو چھونا, بلس کرنا, برکت دینا, اور جو بھی تیرے بیٹے کی زندگی کے اندر پرابلمس ہیں, پریشانیاں, رکاوٹیں, بندشیں ہیں خداوند, وہ تیرے یسوع کے نام سے جاتی رہے خداوند. تیرا آسمان تیرے بیٹے کے لیے کھلے خداوند, تو اپنے بیٹے کو اچھی جاب عطا کرنا تاکہ جو بھی اس کی سوچیں ہیں, پلاننگز ہیں, دل کی خواہشات ہیں خداوند, تو اپنے یسوع کے نام سے پورا کرنا تاکہ تیرا ہاتھ تیرے بیٹے پر بڑھے خداوند, اور تیرے بیٹے کو اچھی جاب ملے. اور جتنے بھی پیارے خداوند بڑے ایمان کے ساتھ اس وقت آئزک ٹی وی پر خداوند اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, میں ان کے لیے بھی خداوند تیری برکت کو چاہتی ہوں. تو اپنے ہاتھ کو بڑھا کر ان کی زندگی کے اندر بھی کام کرنا, ان کو بھی اچھی جابز عطا کرنا خداوند, تاکہ جو بھی خداوند ان کے دل کی آرزو ہیں خداوند, تو اپنے یسوع کے نام سے پورا کرنا تاکہ ہم تیرے جلال کو دیکھیں. ہم یسوع کے نام میں آمین. جی بہن میرا ایمان ہے کہ آپ نے بڑے ایمان کے ساتھ ہمیں یہ ریکویسٹ بھیجی ہے, تو ضرور خدا نے آپ کی زندگی کے اندر کام کیا اور آپ کے ہسبینڈ کو اچھی جاب عطا کی ہے. اسی کے ساتھ ورز ہمارے پاس ایک اور ریکویسٹ موجود ہے, لکھتی ہیں کہ میری طرف سے آپ کو سلام, میرا نام جمیلہ ہے, میرا تعلق شیخو پورہ سے ہے, پلیز آپ میرے بھائی کے لیے دعا کریں, وہ کچھ دنوں سے لاپتہ ہے, کہ خداوند اس کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اپنے گھر لے کر آئے. جی بہن ہم ضرور آپ کے بھائی کے لیے دعا کریں گے, آپ پریشان مت ہو, خداوند پر بھروسہ رکھیے, وہ ضرور آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا, اور جہاں کہیں بھی آپ کے بھائی ہیں میرا ایمان ہے کہ وہ سلامتی کے ساتھ ان کو گھر کے اندر لے کر آئے گا. اور ویورز آپ کو بھی کہنا چاہتے ہو, اگر آپ کا بھی کوئی رشتہ دار, کوئی بہن, کوئی بھائی لاپتہ ہے, گمشدہ ہے, تو آپ ضرور اپنی آنکھوں کو ایمان کے ساتھ بند کریں. اور پاسٹر صاحب میں چاہوں گی کہ آپ بہن جمیلہ کے بھائی کے لیے بھی دعا کریں تاکہ خداوند سلامتی کے ساتھ ان کے بھائی کو اپنے گھر کے اندر لے کر آئے. تو آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. آئیں ہم دعا کریں. خدا عظیم, آسمانی خدا, تیرا شکر, تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں. تو بھلا خدا ہے, تیری شفقت ابدی ہے, تیرا پیار نرالا ہے, تیرے لوگ تیرے حضور جھکتے ہیں اور تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں. خدا ہم تیری بیٹی نے بڑے ہی ایمان کے ساتھ تیرے حضور ریکویسٹ رکھی ہے, خدا ان کے ایمان کے مطابق ان کے لیے کر دے. ایسا ہی کر. خدا عظیم آسمانی باپ, تیرا بیٹا جہاں کہیں ہے, تیرا پاک روح اس کو خیریت سے لے آئے, اور جو لوگ ابھی تک کھوئے ہوئے ہیں وہ خداوند یسوع کے نام میں اپنے گھر واپس آ جائیں, ان کی ساری پریشانی ٹینشن جاتی رہے, اور یہ خاندان ہمیشہ تیرے نام کو مبارک کہیں اور تیری شکرگزاری کریں. بڑا فضل, تیری قدرت ہمیشہ خاندانوں پر, گرانے پر بڑی رہے, مسیح کے نام. آمین آمین. جی بہن جمیلہ میرا ایمان ہے کہ ہم نے مل کر آپ کے لیے دعا کی, آپ کے بھائی کے لیے, میرا ایمان ہے کہ وہ ضرور سلامتی کے ساتھ اپنے گھر آئیں گے اور آپ ضرور اس کے زندہ نام کی گواہی دیں گے. یقیناً میرے عزیزو جب ہم ایمان کے ساتھ اسے مانگ لیتے ہیں تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں کرتا, بلکہ وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنے لوگوں کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے, کیونکہ وہ معجزات کا خدا ہے, وہ ناممکنات کا خدا ہے. جو ہم انسان سوچتے ہیں کہ یہ چیز تو ناممکن ہے, لیکن وہ اس کو ممکن کرنے کی قوت و قدرت رکھتا ہے. تو جیورز اسی کے ساتھ ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں, دیکھتے رہیے پروگرام پاور آف پریئر.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर ऑफ प्रेयर और जितने भी व्यूअर्स ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है, मैं इनको बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रोग्राम का नाम है पावर ऑफ प्रेयर और इस प्रोग्राम में आप हमें मैसेजेस भी कर सकते हैं, आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं और अगर आपकी कोई प्रे रिक्वेस्ट है तो आप हमें ईमेल्स के थ्रू भी भेज सकते हैं ताकि हम आपके लिए दुआ करें और खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर मौजज़ात करें. यकीनन मेरे जो वो चाहता है कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ, तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर भी मौजज़ा करना चाहता है, खुदावंद आपको भी खलासी और रिहाई बख्शना चाहता है. तो ज़रूर है कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, तो आप अपनी मुनाजातों को, अपनी गुजारशात को, अपनी रिक्वेस्ट को हमें भेज सकते हैं ताकि जब हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे तो ज़रूर खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर भी जलाली काम करेगा और मेरा ईमान है कि आप भी अपने मौजज़ा को रिसीव करेंगे. तो जी व्यूअर्स, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया. यकीनन मेरे अज़ीज़ो, वो चाहता है कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ, वो नहीं चाहता कि हम बीमारी के अंदर, दुख के अंदर, परेशानी के अंदर रहें, बल्कि वो अपने लोगों को रिहाई देना चाहता है, वो अपने लोगों को निजात देना चाहता है. वो चाहता है कि अगर आप दुख के अंदर या परेशानी के अंदर तो दुखों के अंदर ही ना रहें, बल्कि आपको सरफराजी और हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है. तो जी भाई साहब, और आप इसके बारे में. जी मैं बता रहा था पहले कि हमने शमाउन जो बुज़ुर्ग है, रासबाज है, खुदा तर्स है, उसकी ज़िंदगी के ताल्लुक से जैसे कि लिखा है कि वो इस बात का मुंतज़िर है इसराइल की तसल्ली के ताल्लुक से. जब हम मुताला करते हैं मुकद्दस मती रसूल की अंजील उसके पहले बाब की 17वीं आयत तक, वहाँ पर 42 पुश्ते हैं जो इस बात के मुंतज़िर हैं कि वो निजात देने वाला आएगा, यानी यसुल मसीह. और 21वीं आयत मुबारक के अंदर लिखा है उसका नाम यसु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा. यसु मसीह निजात देने वाला है. और बताता चलूं कि यसु मसीह को देखने से ही लोगों ने निजात पाई, ये भी मुंतज़िर है देखने का. और उसने कहा, ऐ मालिक, अब तो अपने खादिम को अपने कॉल के मुआफ़िक सलामती से रुख्सत करता है क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देखी. देख ली. मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर हम निजात पाना चाहते हैं, दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाएं निजात मिलेगी नहीं मिलेगी, बल्कि निजात मिलेगी तो खुदावंद यीशु मसीह मिलेगी. और आसमान के तले ज़मीन के ऊपर कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हमें निजात मिले. इस शख्स के ताल्लुक से जो जकई है, टैक्स कलेक्टर है, इसकी ज़िंदगी में निजात नहीं है. इसने इस बात को सुना है कि यीशु मसीह एक शख्स है, शख्सियत है, वो मुर्दों को ज़िंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है और परसमुर्दा को कहता है अपनी चारपाई उठा और चल. फिर उस बात को देखना चाहता है, उसने सुन रखा है. लेकिन जब उसने यीशु मसीह को आते देखा, जब वो यीशु मसीह यरो में दाखिल हुए, तो जकई नाम का एक शख्स यीशु मसीह को देखने के लिए ही कि यीशु मसीह कैसा दिखता है, वो मुंतज़िर है ताकि मैं निजात पाऊँ. यीशु मसीह जब उसके पास आया, वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो कद का छोटा था और उसने यीशु मसीह को देखने के लिए गुलर पर चढ़ गया. लेकिन यीशु मसीह के अंदर कुलसियों के नाम मुकद्दस पालुस रसूल ने खत में लिखा है, अलूहियत की सारी ममूरी उसके अंदर सुकूनत करती है. यीशु मसीह ने जाना, देखा और वहाँ पर ठहर गए और कहा, जकई नीचे उतरा, आज मैंने तेरे घर में जाना है. जकई बड़ी खुशी के साथ यीशु मसीह को अपने घर में लाता है. लाकर वो यीशु मसीह के हवारी, उसके शागिर्द भी यीशु मसीह के साथ हैं और वो जल्दी से अपने घर में बड़ी खुशी से ले आता है. और यीशु के साथ जो लोग थे बुड़बुड़ाने लगे, ये गुनाहगार है, ये ऐसा है वैसा है. यीशु मसीह उस घर में आया, यीशु मसीह ने कहा, ये भी अब्राहम की नस्ल में से है, आज इस घर में निजात आई है. अगर लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह को मानना जानना तो फिर उनकी ज़िंदगी में निजात आएगी. तो मेरा आज का मकसद यही है बताने का कि आप लोग यीशु मसीह को कबूल करें, आपकी ज़िंदगी में निजात, शिफा, रिहाई, बहाली सब कुछ आ जाएगा यीशु मसीह के नाम से. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर, बहुत अच्छी बातें कहीं आपने. खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत, और मुझे बहुत बरकत मिली. यकीनन मेरे जो खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगी के अंदर बरकत को लेकर आता है. जैसे कि पैसा बात कर रहे थे जकई के ताल्लुक से, कि उसने जब खुदावंद यीशु मसीह उसके घर के अंदर आ गया तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर के अंदर निजात आई है. और जब शमाऊन नामी बुज़ुर्ग, जब उस खुदावंद यीशु मसीह को
हैकल के अंदर ले जाया गया, तो जब उसने यीशु मसीह को अपने हाथों में उठाया तो उसने कहा कि खुदावंद आज मैंने तेरी निजात देख ली है। यकीनन मेरे अज़ीज़ों, आज खुदावंद आपको भी निजात देना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया के अंदर आने का मकसद सिर्फ मौजज़ात करना ही नहीं था, वो सिर्फ लंगड़ों को चलाना ही नहीं था, सिर्फ अंधों को आँखें देना ही नहीं था। मेरे अज़ीज़ों, उसका इस दुनिया के अंदर आने का मकसद आपका और मेरी निजात का था। मेरे अज़ीज़ों, वो चाहता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर निजात आ जाए। तो अगर आप निजात लेना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी के अंदर उस यीशु मसीह को कबूल कर लीजिए जो आपको निजात देना चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, आज आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको वेलकम करना है। अगर मेरे अज़ीज़ों, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकत पर बरकत हो, तो वो सिर्फ़ उस शख्सी निजात दहिंदा को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आने से है। मेरे अज़ीज़ों, बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि अब जब हम दूसरों को देखते हैं, उनकी बरकतों को देखते हैं, तो हम जलना शुरू हो जाते हैं, हम हसद करना शुरू हो जाते हैं, हम समझते हैं कि शायद पता नहीं उसके पास क्या है जो मेरे पास नहीं आ सकता। मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने आपके लिए भी बरकत रखी है, खुदा ने आपके लिए भी सरफराजी रखी है। उसने जहाँ से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मेरे अज़ीज़ों, वो आपसे भी प्यार करता है, वो आपको भी सरफराजी देना चाहता है, वो आपको अच्छे घर देना चाहता है, आपको अच्छी गाड़ियाँ देना चाहता है। इसलिए अपने अंदर से हसद को जो है बिल्कुल ख़त्म कर दे, क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद भी कहता है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें पूरे दिल के साथ उसके पास आना है, उससे अपनी ज़िंदगी के अंदर वेलकम करना है। आज अगर आप शराब नोशी करते हैं तो खुदावंद उससे आपको निजात देगा। आज अगर आप बीमारी के अंदर है तो खुदावंद आपको उससे निजात देगा। आज अगर आप कर्ज़ के अंदर है तो खुदावंद आज आपको उससे निजात देगा। कब? लेकिन जब आप उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर वेलकम करेंगे, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे, तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर खलासी और रिहाई को ले आएगा। तो जी, इसी के साथ वक्त है कि बहुत सारे शहरों से हमें ईमेल्स भी मौसूल हुई हैं, लोग अपनी मुनाजातों को ईमेल्स के थ्रू भी हमें भेजते हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं और खुदावंद उनकी ज़िंदगी के अंदर भी काम करते हैं। जी, वो लिखते हैं कि मेरी तरफ से आपको सलाम, मेरा नाम रफ़ीक है और खुदावंद से दुआ करें कि मेरे पास बेटे जैसी बरकत नहीं है, खुदावंद मुझे बेटे जैसी बरकत अता करें। जी भाई रफ़ीक, हम ज़रूर आपके लिए दुआ करेंगे, खुदावंद ज़रूर आपको ब्लेस करेगा, बरकत देगा और आपको खूबसूरत औलाद जैसी बेटे जैसी बरकत देगा। व्यूअर्स, आपको भी कहना चाहती हूँ कि जितनी भी बहनें भाई बड़े ईमान के साथ इस वक्त आइज़िक टीवी पर इस प्रोग्राम को देख रहे, अगर आपके पास भी बेटे जैसी बरकत नहीं है तो खुदावंद से मांगिए, वो ज़रूर सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है, वो आपको भी बेटे जैसी बरकत अता करेगा और आपकी ज़िंदगी के अंदर भी काम करेगा। भाई साहब, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर भाई रफ़ीक के लिए भी दुआ करें, ताकि खुदावंद उनको खूबसूरत बेटे जैसी बरकत अता करें। आए, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। हालेलुया। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, यीशु के नाम, तेरे नाम की तारीफ हो खुदा, तूने दुआ को सुन लिया है। हालेलुया। मैं तेरा खादिम होने के नाते तेरी खादमा के साथ मिलकर तेरे बंदा रफीक मसीह को तेरे नाम से बरकत देता हूँ, जिसने बड़े ईमान के साथ पावर प्रेयर में अपनी घर की खानदान की रिक्वेस्ट को तेरे रखा है। तो अपने बेटे को बरकत दे, जिस तरह तूने हन्ना को बरकत दी, अलिशबा को बरकत दी, सारा को बरकत दी, वही बरकत तू अपने लोगों को दे। और तेरा कलाम फरमाता, तू बांझ का घर बसाता, उसको बच्चों वाली बनाता, उसके दिल को दिलशाद करता है। तेरे बेटे को औलाद नरीना मिले, यानी बेटे जैसी बरकत मिले। तेरा बेटा तेरे नाम को मुबारक कहे, पूरे दिल से पूरे ईमान से तुझे कबूल करता है। तो अपने बेटे को, खानदान को ज़िंदगी दे, उसके ख़ानदान पर तेरा फजल तेरा रहम रहे। और जितने व्यूवर, जितने बहन भाई एजिक टीवी पर देख रहे हैं, जिन माओं ने बेटों की रिक्वेस्ट रखी है, जिन बहनों ने बेटे की रिक्वेस्ट रखी है, उनको भी दे, उनके यहाँ भी औलाद पैदा हो, उनके यहाँ भी बेटे पैदा हों, ताकि खानदान पूरा हो जाए और तेरा पाक रू तेरे लोगों पर, खानदान पर जुम्मश करें। बे औलादों को औलाद दे। और खुदाम, जिस तरह मनोहा को बरकत दी, अन्ना अलिशबा सारा को बरकत दी, मुकद्दस इब्राहिम इजहाक यकूब को बरकत दी, इसी तरह तो अपने लोगों को बरकत दे, ताकि तेरी शुक्रगुजारी करते रहें, मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। जी भाई रफ़ीक, मेरा ईमान है कि हमने मिलकर आपके लिए दुआ की है, ज़रूर खुदा आपको छुएगा, अब आपको खूबसूरत बेटे जैसी बरकत अता करेगा। तो जी भाई साहब, अब जितने भी आइज़िक टीवी पर आपको देख रहे हैं लोग, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो सभी जो लोग परेशान हैं, दुख में हैं, कर्म में हैं, वो खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएँ, निजात पा जाएँ। यीशु मसीह आया ही गुनाहगारों के लिए है, यीशु मसीह आया ही बीमारों मफरूजों के लिए है। यीशु मसीह ने इस दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, यानी खुदा बाप ने अपने बेटे इकलौते यीशु मसीह को भेजा है ताकि लोगों को निजात दे। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जितने आज एक टीवी पर वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, मेरा ईमान है कि आज आपने खुदा के कलाम को सुना है, जाना है,
جس طرح مقدس شماؤن نے یسوع مسیح کو دیکھا اور نجات پایا. جب مقدس زکائی کا تعلق سے ہم دیکھتے ہیں زکائی نام شخص کو, اس نے بھی نجات پائی, یسوع مسیح آیا ہی نجات دینے کے لیے. پریز دی لارڈ. پر سے بہت اچھا لگا آپ ہمارے پروگرام کے اندر آئے, بہت خوبصورت میسج آپ نے لوگوں تک پہنچایا. خداوند آپ کو برکت پر برکت عطا کرے, اور آپ کے گھرانے کے لیے بھی ہم دعا گئے خداوند آپ کے ساتھ ہو. جی ویز, آج ہم نے سیکھا کہ کیسے خداوند کے کلام کے اندر ہم نے یہ سیکھا کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آئے. یقیناً میرے عزیزو, آج اگر ہمیں نجات پانی ہے تو خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر لے لینا ہے, تاکہ خداوند اپنا ہاتھ بڑھائے اور ہماری زندگی کے اندر معجزات کرے. تو جی ویز, اب وقت ہے کہ جتنے بھی پیارے بڑے ایمان کے ساتھ اس وقت آئزک ٹی وی پر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, جہاں کہیں بھی آپ کے بدن کے اندر بیماری ہے, آج اگر آپ اپنی بیماری سے نجات پانا چاہتے ہیں, خلاصی رہائی پانا چاہتے ہیں, تو آپ ایمان کے ساتھ اپنی بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھ لیجئے. میرا ایمان ہے کہ آج یسوع کا ہاتھ بڑھے گا اور آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا. تو آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. خدا باپ, خدا بیٹھے, خدا حلقس پاک, خدا میں تیرا شکریہ ادا کرتی خدا اس وقت کے لمحات کے لیے. یقیناً خداوند تو بھلا خدا ہے, تو جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک, تو جو کل اور آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے. تیرے خادم کے لیے خدا میں تیرا شکریہ ادا کرتی خدا, تو اپنے خادم کو اور زیادہ روح کا دگنا مسا دینا خدا, تاکہ بہت ساری روحوں کو جیتنے کا خدا بڑا وسیلہ بنے, اور تیرے پاک روح کی آگ تیرے بیٹے کو خدا چاروں طرف سے گھیرے رکھے خدا. ان کے گھرانے کے لیے خدا میں تیری برکت چاہتے خدا, تو اپنے بیٹے کو اپنے خادم کو خدا برکت پر برکت عطا کرنا خدا, اور تیرے ان پیاروں کے لیے بھی تیری برکت چاہتی ہوں جنہوں نے بڑے ایمان کے ساتھ اپنے بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھا خدا, جو ان کا نہیں بلکہ تیرا ہاتھ بن جائے خدا, اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک خدا میں نے تیرے خون میں چھپا دیتی. جہاں کہیں بھی ان کے بدن کے اندر بیماری ہے خدا, آج تو اپنے شفا والے ہاتھ کو بڑھانا خدا. ہر قسم کا جوائنٹس, ہر قسم کا ہیپاٹائٹس, ہر قسم کی کینسر کی بیماری خدا, ہر قسم کی جو بھی شوگر کی بیماری خدا, یسوع کے نام سے جاتی رہے خدا. اگر ان کے بدنوں کے اوپر فالج کا اٹیک ہو چکا ہے خدا, تو یسوع کے نام سے اپنا ہاتھ بڑھا کر خدا ہر قسم کی بیماری, کمی, کمزوری خدا ان کے بدنوں کے اندر سے جاتی رہے خدا, اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک خدا انہیں میں تیرے خون کے اندر چھپا دیتی خدا. جن کے پاس گھر جیسی برکت نہیں ہے خدا, تو ان کو خوبصورت گھر جیسی برکت دینا. جو باہر جانا چاہتے ہیں, ویزوں کے اندر رکاوٹ ہے خدا, یسوع کے نام سے تو ان کو ویزے پرووائڈ کرنا خدا, اور جو اس وقت جیل کے اندر ہے خدا, تو ان کو خلاصی رہائی بخشنا خدا. جو سیریس کنڈیشنز کے اندر ہاسپٹلس کے اندر ہے خدا, میں ان کے لیے تیری برکت چاہتی خدا, تو ان کو سلامتی عطا کرنا خدا. جو بچے اس وقت سیریس کنڈیشنز کے اندر ہے خدا, میں ان کے لیے تیری برکت چاہتی خدا. تیرے پاک روح کی آگ ان کو چاروں طرف سے گھیرے رکھے, اور خاص طور پر ان بہنوں کے لیے تیری برکت چاہتی جن کے پاس اولاد جیسی برکت نہیں, 10 سال کا 20 سال کا عرصہ گزر چکا خدا, اب تیرا فضل والا ہاتھ ان پر چاہتی خدا, تو ان پر فضل کرنا, تو ان پر رحم کرنا خدا, ان کو خوبصورت اولاد جیسی برکت عطا کرنا خدا. ان جن خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں, میں ان کے لیے بھی تیری برکت چاہتی خدا. یقیناً تو صلح اور سلامتی کا شہزادہ خدا, تو اس گھر کے اندر اتر آنا خدا, ان کو صلح سلامتی اور محبت کے اندر قائم رکھنا خدا, یونٹی کے اندر قائم رکھنا خدا, تاکہ خاندان تجھ میں بڑھتے, ترقی اور سرفرازی پاتے جائے خدا. اب میں اپنے لیے, اپنے پروگرام کے لیے تیری برکت کو چاہتی خدا, تیرا آسمان کھلے خدا, اور ہم تجھ میں بڑھتے ترقی اور سرفرازی پاتے جیمسی یسوع کے نام میں, آمین. جی ویئرز, ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے. اس کے کلام کے اندر لکھا کہ جو کچھ تم نے مانگا ایمان رکھو کہ تمہیں مل گیا. میرا ایمان ہے کہ جو کچھ ہم نے مل کر زمین پر باندھا ہے وہ خدا نے آسمان پر باندھی ہے, کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے مانگنے والے کو مایوس اور شرمندہ نہیں کرتا. میرا ایمان ہے کہ خدا نے آپ کی زندگی کے اندر کام کیا ہے, آپ کی زندگی کے اندر معجزات کیا, اور آپ ضرور اس کے زندہ نام کی گواہی دیں گے. اسی کے ساتھ ویئرز, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. دوبارہ ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. دیکھتے رہیے پروگرام پاور آف پریئر. گاڈ bless you all.